हमारे ट्विटर शोरूम में। तो मनीष भाई कुछ इस प्रोजेक्ट के बारे में बताएंगे, देखिए गाइस। दोस्तों ये टोयोटा का हाइब्रिड ट्रेन है जो कि सामने आपको दिख रहा होगा, हम टोयोटा के शोरूम में आए हो। तो एक हाइब्रिड एक कार है, एक उसके बारे में मॉडल हमें बताया गया, उसका इंजन, उसका फिर से उसका इंजन होता है वो हमें मॉडल के थ्रू में बताया गया। तो इसमें जनरली दो टाइप के इंजन है, और एक इलेक्ट्रिक है और एक डीजल इंजन है जो कि और एक डीजल इंजन है। दोस्तों हम यहाँ पे इसे इसकी फंक्शनिंग स्टार्ट करते हैं। अभी सबसे पहले हम इंजन स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे देख रहे हैं इंजन स्टार्ट हो चुका है, इंजन चल रहा है इसका। और जब इसमें अगर चार्जिंग एंड स्टॉप लिखा है इंजन स्टार्ट के बगल में, मैं रिवर्स का बताते हैं, इंजन स्टार्ट के बगल में रिवर्स है, तो रिवर्स को दबाएंगे तो पीछे को घूमेंगे। उसके बाद ब्रेक का सिस्टम है, यहाँ पे ब्रेकिंग ब्रेक दबा के इसमें ब्रेक लग जाते हैं। और जब ब्रेक होते हैं तो इसमें चार्जिंग बैटरी का इंडिकेटर भी है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जब यहाँ पे ब्रेक लगाएंगे तो इसकी बैटरी अपने आप ही चार्ज होगी। उसके बाद हम फिर इसे एक्सेलरेट करेंगे तो ये दोबारा से ऑन हो जाएगा। उसके बाद चार्जिंग एंड स्टॉप, जब ये स्टॉप हो जाएगा तब भी चार्ज होगा। उसके बाद एक्सेलरेशन का मैंने आपको बताया कि इसका क्रूसिंग, क्रूसिंग में पूरा सारे इंजन चल जाएंगे, वो इलेक्ट्रॉनिक वाला भी और डीजल वाला भी। ईवी मोड है, ईवी का मतलब इलेक्ट्रॉनिक मोड है, इलेक्ट्रॉनिक में खाली इलेक्ट्रॉनिक बैटरी से गाड़ी चलेगी, हो गया इतना ही है। बाकी ऊपर को आपको एलईडी इंडिकेशन दे रखे हैं। जैसे मैंने स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट से स्टार्ट किया, अभी खाली मोटर चल रही है, इलेक्ट्रिक से चल रही है। उसके बाद क्रूसिंग में आते हैं तो मोटर एंड इंजन नॉर्मल ड्राइविंग का मोड है जिसमें मोटर और इंजन दोनों चल रहे हैं। उसके बाद हम एक्सेलरेट करते हैं तो एक्सेलरेट में मोटर एंड इंजन एडिशनल इलेक्ट्रिसिटी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बैटरी, जैसे मोटर और इंजन दोनों चल रहे हैं जो बैटरी से यहाँ से निकल के इंजन को घुमा रही है। ब्रेक करते हैं बैटरी चार्ज होती है, उसके बाद चार्जिंग खत्म हो गया। दोस्तों ये था इसमें जो टोयोटा की नई कार आई है हाइब्रिड मॉडल उसका।